उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे हैं यहां पर। हाथरस हादसे को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं किस तरीके से लेकिन देखिए यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये नारायण गिरी साकार जो आयोजन करवा रहे थे, जिनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची थी, वो आखिर है कहाँ? खबर ये मिल रही है कि वो फरार चल रहे हैं, उनका तो फोन भी नहीं मिल रहा है। उनके कई आयोजक हैं जो 5-6 उनका तक फोन बंद मिल रहा है। अब ये भी सवालों के घेरे में कि आखिर नारायण गिरी साकार जिनके आयोजन में यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी, वो है कहाँ? उनका फोन क्यों बंद है? और लगातार आयोजकों से संपर्क पुलिस और प्रशासन भी कर रहा है लेकिन कोई संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ अस्पताल में चीख पुकार मच रही है, दूसरी तरफ खोजबीन भी जारी है, नारायण गिरी कहाँ है साकार आखिर? और दूसरी तरफ देखिए दुखों का अंबार उस परिवार पर जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, किसी का पति, वहां पर 116 लोगों की जिंदगी चली गई है। और अब अनुपम, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े, उनके पास चलते हैं और हिमांशु शुक्ला के पास सीधे रुख करते हैं। हिमांशु बताइए क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? जो परिजन वहां पर आए हुए हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? डीजीपी और मुख्य सचिव भी मौके पर पहुंच गए हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें भी देखेंगे, यहाँ पे पुलिस के यहाँ पर सीनियर अफसर मौके पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अभी आईजी शलभ माथुर से जब बातचीत हुई उस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि और कन्फर्म भी किया है कि 116 कुल डेथ अभी तक रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 2 मिसिंग भी हैं और मिसिंग के लिए अलग टीमें गठित की गई है। लेकिन अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी उनको इलाज कैसा मुहैया कराया जा रहा है, उस स्थिति को देखने के लिए यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सीनियर अफसर मौजूद हैं, इसके अलावा जिला प्रशासन के भी अफसर। ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर
पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और साथ ही उन्होंने कहा यह हत्या है या साजिश है, यह हादसा है, यह जांच का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल जो वक्त है वो पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 का मुआवजे का ऐलान सरकार करती है। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही जो नलिनी बता रही है लगातार, और हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों मंत्री पीड़ितों की मदद करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तीन मंत्रियों को भी सरकार ने वहां पर भेजा है। तो हाथरस से आज दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई। हाथरस में चल रहे एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। भोले बाबा का यह सत्संग हाथरस के सिकंदराव इलाके में हो रहा था, इसी दौरान इसमें भगदड़ मच गई। खबरों के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। वहीं हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मौत के तांडव का जिम्मेदार कौन है और आखिर कैसे एक लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली। आइए इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। जहां तक नजर जाएगी जमीन पर लाशें बिछी हैं, भगदड़ मचा है, चीख पुकार अपनों को बचाने की गुहार लगा रही ये बेबस भीड़ मातम मना रही है। जो बच्चा है, किन के बच्चा है आपको, कहाँ से आप लोग, कहाँ से? हाथरस के अस्पताल फुल हैं, आसपास के कई जिलों के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हर तरफ शोक मातम और गम है क्योंकि ये भीड़ अव्यवस्थित सत्संग की भेंट चढ़ चुकी है। योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। हाथरस भगदड़ में कई माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, कई मासूमों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया और आसपास के कई गांवों में पूरा सन्नाटा पसर गया। हाथरस के फुलरई गांव में ये लोग भोले बाबा के सत्संग में प्रवचन सुनने गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता ये सत्संग उनका परिवार छीन लेगा, ये सत्संग उनकी जिंदगी का रंग छीन लेगा, किसी से माँ तो किसी से बेटा छीन लेगा। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही घर चुके, ऑन स्पॉट खत्म हुए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर,
ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भाग गए, उसमें दबने दब गए, एक ऊपर चढ़ गए, वो सौ दो सौ आदमी तो है पक्का। नारायण साकार के सत्संग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों की है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, बाबा नारायण साकार की है, क्योंकि आयोजकों ने लापरवाही क्यों की, भीड़ का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, भीषण गर्मी में इतनी भीड़ कैसे जुटी। अब सवाल पूछे जा रहे हैं सत्संग के आयोजकों से, सवाल पूछे जा रहे हैं नारायण साकार से, सवाल पूछे जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन से, क्यों, आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई, क्यों इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ हुआ। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। बहुत दुखद है, वो बहुत ज़्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई दुख जता रहा है, लेकिन ये मातम मना रही भीड़ क्या करे, इनका तो परिवार छिन चुका है, पूरा संसार छिन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर रो रहे बच्चे। ओए बलाली, आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हाथरस हादसे को लेकर अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा बी ने क्या कहा है, ये सुनाते हैं। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल है विभिन्न जनपदों में। मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उचित इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी प्रारंभिक जांच चल रही है, FIR भी तो ये उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जाँच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है SDM से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। हाँ जी, CM का इनपुट बुलाने का किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मेरे, मैं तो आप ही के सामने हूँ, मैंने व्हाट्सएप भी नहीं खोला है। तो हाथरस की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी किया, उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। थैंक यू। तो वहीं इस घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने जहां सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं मनोज तिवारी ने इस घटना को दुखद बताया। हाथ
बस का जो वाकया है बड़ा तकलीफ दे बात है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़े अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी। और सभा हो रही थी आध्यात्मिक, जिसमें भगदड़ होने से कुछ बहुत लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने अचानक बोलते हुए ही उनको सूचना आई और उन्होंने संवेदना व्यक्त की और घायलों को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए सरकार जो कर रही है उसकी जानकारियां दी। सवाल ये भी है कि आज बहुत दुखद है। और अब आपको ये बता देते हैं कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों के साथ पीड़ितों ने क्या दावा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि सत्संग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का दावा है कि कथावाचक का काफिला जा रहा था, काफिला जाने के लिए भीड़ को रोका गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हादसे के बाद भी 90 मिनट अधिकारी नहीं पहुंचे। वहीं दावा ये भी है कि अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर था और अस्पताल में ऑक्सीजन के इंतजाम तक नहीं थे। हालांकि इन सब दावों पर जिला अधिकारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने के हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताने वाला। 100 से ज्यादा मौतों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में उस वक्त भगदड़ शुरू हुई जब 50,000 से ज्यादा लोग भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए भागने लग गए और देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे को रौंद डाला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, विशाल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी इंच कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई, लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया।
सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद मैं भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन लगे, ऊपर लेके निकल गई। मोए का संग भीड़ आई है सुबह में। मेरे बाबा का सत्संग चल रहा था। मैं फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राउत के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे कर, लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वही हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहां पहुंचा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी, SSP, CO, ASP, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी PAC भी हाथरस पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।